हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आज इस चैनल के पूरे 1 महीने हो गए हैं जिस दिन मैंने पहला वीडियो बनाया था आप लोगों की। तो दोस्तों, इस ड्यूरेशन में मैंने बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि 1 मंथ में मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, और उसके लिए मैं आपके साथ पूरे साल बना रहूंगा। और आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं दिए, आज पूरे 1 महीने बाद मेरे पास 2200 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस पे थोड़ा पीछे डेटा दिखा रहा है, मेरे बैकएंड में 2200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आप लोगों के साथ पूरे साल बना रहूंगा दोस्तों। इस चैनल को खोलने का पर्पस दो चीज था, एक कि ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए, दूसरा जो गलती मैंने खुद किया था पिछले बुलरन में या फिर किसी और के साथ होते हुए देखा था, वैसा कुछ आप लोगों के साथ ना होने, यही दो रीजन था। तीसरा ऑफकोर्स यार, अगर कुछ हो गया तो यूट्यूब मुझे कुछ तो दे देगा, आखिरकार पैसे की जरूरत तो मुझे भी है ना। तो फ्री करने का ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इतना मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ थ्रू आउट द 1 मंथ, इसका एक ही रीजन था कि आप लोगों को सेफ रख इस मार्केट में। भले कम प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट कमाना इजी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उतनी तेजी से प्रॉफिट गायब हो जाता है अगर आप लालच करते हो। कैसे? बहुत तरीके हैं। पहले तो ट्रेडिंग में गलती करके, गलत एंट्री या गलत एग्जिट के लिए, वो सारा मैं आपको बता ही रहा हूँ। तीसरा, बहुत टाइप के फ्रॉड जिसका नाम मैं नहीं गिना सकता हूँ। दुनिया में जितने भी टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो आज ऐसा ही एक फ्रॉड ठीक 1 महीना होने के उपलक्ष्य में मेरे चैनल पे भी हुआ। मैं आपको पहले दिखाता हूँ हुआ क्या। मैं आपका आपके मैसेजेस हर रोज पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैं आज भी मैसेज पढ़ रहा था एंड मुझे एक सडनली एक मैसेज दिखा, मैसेज करो मुझे टेलीग्राम पे @संजय384। भाई साहब जो भी है क्रिप्टो इनसाइडर टीए का पूरा प्रोफाइल बना के रखे थे। मैंने जब देखा तो पहला डाउट आया, ये कमेंट मैंने कब किया? फिर अच्छा, कमेंट किया तो किया, ये प्रोफाइल मेरा तो है नहीं। तो अगला रिएक्शन कि मेरा पासवर्ड तो कहीं लीक नहीं हुआ, तो दैट इज सेफ, आई नो। अगला रिएक्शन, इसके प्रोफाइल को मैंने विजिट किया और ये स्क्रीनशॉट है, आप इस एड्रेस को वेरीफाई कर लेना, अभी मैं दिखाऊंगा इनका चैनल। ठीक है, ये एड्रेस है इनके, ओके। इनका देखा 9 जनवरी 2021 को ज्वाइन कर लिए थे, क्रिप्टो इनसाइडर टीए का पूरा लोगो वोगो लगा के रेडी कर लिया था। तो पिछले 9 जनवरी को ये इन्होंने प्रोफाइल बनाया और आज है 18 जनवरी। पिछले 9 दिनों में किसी और के साथ धोखाधड़ी हुआ हो यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे नाम के थ्रू, मेरा नाम लेके या मेरे चैनल का नाम लेके, तो प्लीज यार इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखोगे पूरी स्टोरी, और अगर कुछ शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई भी प्रूफ हो आपके पास किसी भी टैग का, तो आप मुझे यार फेसबुक पे चैट के थ्रू शेयर करो पर्सनली। अभी मैं बताता हूँ फेसबुक पे आप मुझे कैसे ढूंढो। ठीक है, ये थे भाई साहब। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका इसके लिए पहले वीडियो बना के लाइव दिखाता हूँ, लेकिन फिर उस समय बहुत टाइम लग जाता और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इस बीच में कहीं किसी के साथ प्रॉब्लम ना हो। मेरा रिएक्शन सबसे पहले टेलीग्राम में जुड़ा, टेलीग्राम में जुड़े हुए लोगों के लिए था, और मैंने इमीडिएटली टेलीग्राम में अपडेट किया लोगों को, और जो लोग भी टेलीग्राम पे हैं उनको उसी वक्त पता चल गया था। और कई लोगों की मुझे मैसेजेस मिले हैं टेलीग्राम पे कि वो अबाउट टू सेंड, मतलब सेंड करने वाले थे वो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिजिटल करेंसी। क्यों? लोग जल्दीबाजी, क्विक रिच, ये सारे जो वर्ड है ना यही इंसान को डुबाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और फिर गाली किसको देते हैं, यार ये तो मार्केट ही खराब, यार ये मार्केट क्या, कहीं पे भी आप क्विक रिच स्कीम में अगर घुस रहे हो ना, यानी शॉर्टकट ले रहे हो ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आपको कान खड़े कर लेने चाहिए कि ऐसा क्या है। मुझे अगर कोई पर्सनली ऐसे मैसेज करेगा ना मेरे कमेंट पे, क्योंकि मैंने ऐसा चीज देख रखा है पास में होते हुए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे हर रोज होता है चीजें। फाइनली 1 महीने के उपलक्ष्य पे, मतलब इन्होंने मेरे चैनल के साथ भी किया, 9 दिन इंतजार किया था या फिर 9 दिन से कर रहे थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज में आ जाए। और जैसे ही आया मैंने टेलीग्राम में डाला, और टेलीग्राम में बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर मैं बच गया, मैं सेंड ही करने वाला था, और ये जो चैनल है उसको अभी रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, चैनल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। जो मुझे फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि ये भाई साहब जो भी हैं ये बड़े अच्छे अच्छे बातें करते हैं, जो भी मैंने बोला हुआ है। तो भाई साहब जो भी आप हो और ये वीडियो आप देख रहे होगे, क्योंकि मेरे फॉलोअर में से ही कोई एक है ना, तो वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, तो भाई साहब इतना एनर्जी और इतना दिमाग जो है ना, कहीं किसी अच्छे काम में लगा दो, अच्छा कर जाओगे लाइफ में। अपॉर्चुनिटी मिली है आपको भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मेरे चैनल पे नहीं चलेगा यार, मेरे चैनल पे मैं नहीं होने दूंगा। ये सब मैंने देखा हुआ है, सब देख रखा पास से नजदीक से, खुद का लॉस भी झेल रखा है। तो मेरे चैनल पे मैं जब तक एक्टिव हूं मैं नहीं होने दूंगा ये सब चीजें, ठीक है? तो यार किसी और चैनल पे जाकर ट्राई करूँ, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। एनीवे गाइस, तो यार आप पहचान कैसे करोगे कि ये मेरा प्रोफेशन, मतलब जो मेरा जो प्रोफाइल है वो रियल है या फर्जी है?
इसके लिए एक सॉलिड सा आइडिया देता हूँ। जब भी आपके यूट्यूब के कमेंट में, वैसे तो आपको पता होगा मैं यूट्यूब पे शुरू शुरू में कमेंट करता था, उसके बाद मैं क्यू एंड ए सीरीज लेने लगा, अब मैं सिर्फ लाइक करता हूँ या फिर रिस्पॉन्सेज में इमोजी भेजूंगा, उससे ज्यादा मैं कमेंट में नहीं लिखता हूँ। और ये प्रैक्टिस मेरा अभी का नहीं है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले वीक से, कुछ वीक से, उनको पता है मैं क्यू एंड ए सीरीज लेता हूँ और उसमें सारे पर्सनली क्वेश्चन को रीड आउट करके मैं आंसर करता हूँ, चाहे वो निगेटिव कमेंट हो मेरे ऊपर, कुछ भी निगेटिव हो, या चैनल के ऊपर निगेटिव हो या वीडियो के ऊपर निगेटिव, मैं लेता हूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैंने अवॉइड किया, शुरू शुरू में करता था, बाद में अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। और यही रीजन है, आप लोग सोचते हो कि सर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं कमेंट पे, उसका रीजन ये है यार। मैं एक दो रीजन है, एक तो मैं सेम ही क्वेश्चन अलग अलग जगह पे हर बार टाइप करता रहूंगा, दूसरा ये है जो ये हो रहा है, मैं अगर करूंगा आप लोगों को आदत हो जाएगा कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ मैसेज करके, और यही होगा क्योंकि मैं नहीं करता हूँ पिछले कई वीक से, तो मुझे पता है जैसे ये दिखा मेरे कान खड़े हो गए, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। और यही रीजन है मैंने क्विकली टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया आप लोगों को। तो जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो ना यार, जाके ज्वाइन कर लो, अभी बताता हूँ लिंक कहाँ पे, जेन्युइन लिंक मिलेगा आपको। तो जब भी ऐसा हो सकता है मैं भी कमेंट करूँ यार, कभी जरूरत पड़ेगी कोई कमेंट करूँ, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे जब यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा ना यहाँ पे वेरीफाइड के लिए, सिग्नल के लिए यहाँ पे वेरीफाइड का ब्लू टिक आ जाता है, एक बैज बना हुआ था, वो जब भी होगा, वो उसके लिए जब जो भी एलिजिबिलिटी है जब पूरा होगा तो ऑब्वियसली मेरे चैनल पे भी आ जाएगा, तब इजी होगा आप लोगों को वेरीफाई करना। लेकिन अभी के लिए कैसे करोगे, आप जाओगे सबसे पहले मेरे यूट्यूब पे और उस पे ना ये आपको लिखाएगा क्रिप्टो इनसाइडर टी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वो तो लिंक में कई बार नहीं आता, जी बिल्कुल नहीं आता, अगर मैं डायरेक्ट विजिट करूँ ना यूट्यूब से तो ये चीज नहीं आएगा, लेट मी ट्राई। अगर मैं अभी विजिट करूँ वापस से मेरे चैनल को तो आप देखोगे यहाँ पे चैनल का यूआरएल चेंज हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन फिर भी उस केस में आप ना ये देखो, ये फ्रंट पेज देखो, लास्ट अपलोडेड वीडियोस देखो यार, अबाउट पेज में तो कोई भी कॉपी पेस्ट मार लेगा मेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक और चीज जो आप देख सकते हो, वो देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, मेरा ज्वाइनिंग डेट ना 14 फरवरी 2018 का है, चैनल नया है, प्रोफाइल पुराना है, ठीक है। बट इन सब पे भी बिलीव मत करो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने कल जो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने कल एक क्रिप्टो इनसाइडर TA.blogspot.com शेयर किया था आप लोगों को लिंक, यार मेरे ना सारे लिंक्स यहाँ पे होंगे, यहाँ से जाके करना। अब एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को शेयर किया और दूसरे दिन देखो इसका यूज केस आ गया, इसका पर्पज ही यही था कि यार ये इन्फॉर्मेशन ना हर जगह रहेगा ना, अगर मैं कमेंट करके डालूंगा या कुछ भी करूंगा तो कोई भी पर्सन आके ऐसे कमेंट डाल के मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को। पहले मैं करता था कमेंट, अब करना बंद कर दिया क्योंकि मैनिपुलेट करेगा, समझे। तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर वेबसाइट बना दिया। अब वेबसाइट का यार डोमेन नेम खरीदने की अपने अभी औकात नहीं है, होस्टिंग अलग से लूंगा है नहीं, तो सबसे सिक्योर है ब्लॉग स्पॉट, सिंपल है, फास्ट है, फोन में भी एक्सेस हो जाता है, तो बस यही पर्पज था इस पे आने का। और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख रखा है सब कुछ, यहीं का यूट्यूब लिंक है वैलिड, यहीं का ट्विटर लिंक है वैलिड, यहीं का फेसबुक का भी लिंक है वैलिड और टेलीग्राम का भी। तो आप जहां पे भी जाओगे इसी यूआरएल से जाओगे, कल को हो सकता है आपको फेसबुक पे बहुत सारे क्रिप्टो इनसाइडर टीए के पेजेस बने आ जाए, मिल जाए, लेकिन जो असली क्रिप्टो इनसाइडर टीए का पेज होगा वो बस इकलौता है, वो ये है, लिख के रख लो। टेलीग्राम पे 1000 लोग प्रोफाइल पेज बना लेंगे, बहुत सारे चैनल बना लेंगे, लेकिन जो असली टेलीग्राम का पेज है वो एक ही है, क्रिप्टो इनसाइडर टीए सिग्नल करके, बाकी कोई भी नहीं है। बाकी बहुत लोग ऐसे लोगो लगा के आपको मैसेज करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, और इन लोग कई लोगों को इन्होंने पर्सनली रीच किया है टेलीग्राम पे, तो आई एम श्योर टेलीग्राम ग्रुप पे भी। और यही रीजन है जैसे मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल तुरंत के तुरंत डिलीट किया, क्योंकि कुछ देर और रुक जाते तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता, मैं एक्शन लेने के लिए अगर करता तब तक आपके साथ शायद फ्रॉड हो जाता, क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मिल चुके हैं कि मैं सेंड करने वाला था, इसीलिए मैं सेंड करने वाला था कुछ पर्टिकुलर अमाउंट या जो भी। तो यार एक ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, आपको अगर डाउट होना तो हमेशा यूआरएल चेक कर लो, नहीं हो तो उस पे जाके चेक कर लो, ठीक है। कभी भी फर्जी कमेंट्स अगर होता है तो आप लोग मुझे कभी भी जैसे ही दिखता है आप लोग मुझे इमीडिएटली इमीडिएटली फेसबुक पे चैट रिक्वेस्ट पे अपडेट करोगे, या ग्रुप में शोर मचा दो चैट ग्रुप में टेलीग्राम पे, ये वाला स्क्रीनशॉट के साथ भेज दो, तुरंत एक्शन होगा, बाकी लोगों को पता चलेगा, कोई फ्रॉड का पार्ट नहीं बनेगा, समझ गए। थोड़ा सा अवेयरनेस जगा लो यार, ये बहुत कॉमन चीज है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो बहुत टाइप के फ्रॉड होते हैं। अच्छा, अब मैंने ना बहुत लोगों से पूछा, मतलब एक ओवरऑल सर्वे किया मैंने टेलीग्राम पे, इसलिए बोलता हूँ यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, नहीं ज्वाइन करते हो इसलिए आधी इन्फॉर्मेशन से वंचित रहते हो। टेलीग्राम पे मैंने अभी जब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं आज कोई और वीडियो लेके आने वाला था बट अभी हॉल्ट हो गया इसकी वजह से, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सीरियस मैटर था तो मुझे इमिडिएटली इसमें देखना पड़ गया। बहुत लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मैं पर्सनली रीड करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। एंड एक कई बंदों के क्वेश्चन है सर जो मैंने चैट किया था वो वैलिड है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया तरीका, एक ही तरीका, आप ग्रुप में कोई चैट कर रहा है मेरा फोटो लगा के, तो उसके लिए आप अवेयर हो जाना,
तुरंत मुझे आप बताओगे कि ये बंदा जो है गड़बड़ है, रिपोर्ट करो मुझे। कैसे रिपोर्ट करोगे? ग्रुप में नहीं करना है, ग्रुप में ऑलरेडी बंदा है, उसका फोटो लेना है, उसका प्रोफाइल पेज क्लिक करना है और फेसबुक पे मुझे भेज देना है पर्सनल चैट में कि सर ये बंदा जो है ना आपका प्रोफाइल पिक लगा के और आपका नाम लेके, या फिर जो भी संजय नाम बहुतों का हो सकता है, लेकिन जो क्लेम करे उनका प्रोफाइल पिक इमीडिएटली टेलीग्राम के आईडी के साथ मुझे आप पिक क्लिक करके फेसबुक के चैट पे आप भेज दोगे मुझे। बाकी का काम मेरा है, मुझे यार सब कुछ को मैनेज करना अकेले, राइट? तो आप लोगों की हेल्प चाहिए। बाकी मुझे जब भी दिखता है, देखो मैंने आज शायद जैसे रिस्पॉन्ड मिला उस हिसाब से तो ये लगता है कि अगर मैं लेट करता तो कई लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होता। बाकी ये एडवांटेज सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए है, जो लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, यही रीजन है इमीडिएट नोटिफिकेशन की वजह से। एंड सेकेंडली सेकेंडली ये कि पिछले कई दिनों में, पिछले जैसे 9 जनवरी का प्रोफाइल है, तो पिछले 9 दिनों में अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी यूट्यूब पे, पर्सनल मैसेज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हुआ हो मेरे नाम पे या मेरे चैनल के नाम पे, तो प्लीज यार मुझे फेसबुक चैट पे रिस्पॉन्ड करो। एंड जो भी प्रूफ हो यार उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, ठीक है? आई विल टेक केयर नेक्स्ट ऑफ जो भी उसके बाद की चीज है, ठीक है? एंड इतना सपोर्ट तो चाहिए होगा आप लोगों से, सो दैट हमारा कम्युनिटी क्लीन रहे, ठीक है? अच्छा अब आ जाते हैं। मैंने क्विक क्विक सर्वे चलाया था क्योंकि आई वॉज वरीड कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जानना चाह रहा था कि रीजन क्या है। देखो मैंने सब कुछ शेयर किया था, मैंने सुबह सुबह आप लोगों से शेयर किया था कि यार 1 मंथ हो गया, थैंक्स अलॉट, उसके ऊपर बहुत सारे फीडबैक आया, मैंने सारे पढ़े हैं दोस्तों आप लोगों के मैसेजेस। उसके बाद मैंने ना अगला मैसेज मेरा आज का यही था कि यार कोई फ्रॉड कर रहा है, तो मेरा बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही करोगे और कहीं से नहीं करोगे, ठीक है? हो सकता है नकली चैनल भी खुल जाए, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। ओके यार आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ परचेस किया था प्लान वगैरह, तो दैट थ्रू आउट द ईयर मैं अच्छे से सर्विस दे पाऊँ, तो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे यूपीआई आईडी शेयर किया। अब अगर मैंने ये यूपीआई आईडी डिलीट किया तो कोई बंदा इसके नाम पे मांगेगा, तो अब तो मैं ये डिलीट नहीं करूंगा सो दैट कोई क्लेम ना करे एटलीस्ट ये वाला यूआरएल, ठीक है? लेकिन यार यही रीजन होता है मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ कभी भी, बस आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट पे किया था, और कभी भी करना होता तो इस पे करना होता। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिनों में आप देखोगे ये इन्फॉर्मेशन अबाउट अस सेक्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ यूआरएल होगा मेरा। आप यूआरएल जाओगे, यूआरएल पे जाओ, यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वही वैलिड है, बाकी सारे इनवैलिड है, ठीक है? जहाँ पे आपको अगर डोनेशन करना है, यहाँ पे रिकमेंडेड साइट है जो भी आपका, बाइनेंस का, बिटबीएनएस का, वजीर एक्स का, वन इंच का, जिसपे आज मैं वीडियो लाने वाला था, मैं अभी बैठ के कंपाइल कर रहा था उससे जब ये सारे इंसिडेंट होने लगा। तो आज के लिए यार वो वीडियो तो अब कल ही आ पाएगा होपफुली, बट ये जो है यहाँ पे कोई भी वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए डोनेशन देना है यहीं पे, आपको मेरे साथ कोई बात करना है, कहीं सोशल नेटवर्क पे जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज है मेरा cryptoinsider.ta.blogspot.com, और उसपे जितने भी लिंक है वो मेरे वैलिड लिंक है, ठीक है? इतना क्लियर है? तो कभी भी जुड़ना होगा तो आप लोग सिर्फ यही प्लेटफॉर्म यूज करोगे। अब वापस से आ जाते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के चैट पे मैंने क्विकली आप लोगों के मतलब समझना चाह रहा था कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसे तो कोई भी कल को आएगा और क्लेम करेगा और आप लोग फंस जाओगे। तो ये तो मेरे क्विक अपडेट्स थे जो बैक टू बैक मिला था, मैंने मैंने यहाँ पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। ओके मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट किया ऐसे पर्सन को जिसने पैसे मांगा या फिर कुछ भी फेवर मांगा मेरे भी यहाँ पे। अच्छा फेवर मांग रहे हैं कि यार मेरे चैनल को प्रमोट करो। मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को पर्सनली कमेंट पे भी किया, जिन लोगों ने भी फेसबुक पे चैट किया है, मैंने कभी बोला है यार कि यार मेरे चैनल को वो करो, मैं जस्ट ये बोलता हूँ ना थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, जस्ट बी विद मी, राइट? तो कई लोगों को ये बंदा जो भी थे ये पर्सनली चैट के थ्रू निकाल निकाल के उनको पिंग करके बोलना चाह रहे थे कि भैया प्लीज, अभी मेरे साथ 750 सब्सक्राइबर है सबको, मान लो उसमें से 9 दिनों में कितने लोगों को टारगेट किया मुझे नहीं पता, या फिर यूट्यूब पे कितने लोगों को टारगेट किया मुझे नहीं पता, वो लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग दोगे, ठीक है? तो उन भाई साहब ने सबको बोलने शुरू किया कि यार मेरे चैनल को प्रमोट करो, ये वीडियो शेयर करो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है? पर्सनल चैट करके मैंने आज तक नहीं करता, यही रीजन है, क्योंकि मैं एक बार भी करूंगा ना तो लोगों के दिमाग में रहेगा हाँ संजय सर करते हैं, तो फिर भ्रम आ जाएगा। मैं कभी पर्सनल चैट करता ही नहीं हूँ, पर्सनल चैट का सिर्फ एक ही जरिया है फेसबुक चैट, वो भी मेरा ऑफिशियल पेज, ठीक है? तो सर्वे का रिजल्ट आया, 13% आया कि ये लोग करना चाह रहे थे उसे कॉन्टेक्ट, ठीक है? एंड 9% लोगों ने बोला कि मैसेज देखा बट इंटरेस्टेड नहीं थे, 7% लोगों ने कहा कि पहले प्रोफाइल देखा फिर वैलिडेट किया कांटेक्ट करने से पहले, तो ये भी ठीक है। और ऑब्वियसली कई 70% लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली उनके साथ हो जाता तब उनको भी पता चलता, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने टाइम रहते आप लोगों के लिए लेके आ गया। तो यार टोटल जो था ना लगभग 10 लोग थे जो कॉन्टेक्ट करने में इंटरेस्टेड थे, ये जो क्विक सर्वे था 76 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और मैंने बंद कर दिया अभी सर्वे आई गेस, तो मुझे बस आइडिया लेना था, ठीक है? उसके बाद मैंने एक क्विक क्वेरी किया आप लोगों से कि यार आप लोग क्यों करना चाह रहे हो उनको कांटेक्ट, मतलब मुझे आप अगर मैं बन के कोई, या मैं ही हूं या फिर कोई भी हो, आप क्यों करना चाहोगे? जस्ट वांट पर्सनल चैट विद मी, तो 32% का कहना था ठीक है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ पर्सनल चैट में, 32% बोल रहे थे कि फ्री में उनको सजेशन चाहिए तो मेरे से पर्सनल सजेशन, 18% चाहिए था कि यार उनको कुछ फंड जो है ना
अपना इंक्रीज करना था, उसके लिए उनको सलाह चाहिए था, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए एनी अदर, मतलब मैंने अदर का ऑप्शन, एक एक ऑप्शन देना भूल गया था मैं, मुझे बाद में देखा मैसेजेस में कि सर मैं कभी नहीं एज सच लोगों को कॉन्टेक्ट करता। तो मतलब ठीक है, मान के चलो ऑन एन एवरेज ना, मतलब मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि वो मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल पर्सनली, राइट। मैं जबकि हर वीडियो में बोलता हूँ पर्सनल चैट करना फेसबुक पे आओ, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अब पहले तुरंत आ जाता था, एक ही दिन के अंदर आ जाता था, फिर उसके बाद 2-3 दिन पे आने लगा होगा रिस्पॉन्स, हो सकता है अब हफ्ते में एक बार आने लगे रिस्पॉन्स, लेकिन टाइम लगेगा बट करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला पोल किया मैंने, हाउ मेनी रियली वॉन्ट टू टॉक विद मी पर्सनली फॉर द पर्सनल एडवाइस फॉर द पोर्टफोलियो। तो उनमें से बोला 67% लोगों ने कि मैं अगर फ्री में दूंगा ये सर्विस तो इंटरेस्टेड है। 19% ने बोला कि यार आप चार्ज कर लो अपने टाइम के लिए, लेकिन यार मुझे आपसे कॉन्टेक्ट करना है। 5% बोल रहे हैं कि भैया उनको जरूरत नहीं है। 9% ने बोला कि भैया मुझे Q&A जो पब्लिक में आप जो लेते हो ना क्वेश्चन आंसर और FAQ, उसी में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं। तो मतलब 67% इंटरेस्टेड है, और ये जो 67% है प्लस 19%, इन्हीं लोगों को ट्रैप बनाया जाएगा। कितनी मेजोरिटी है देख लो, लगभग 70 इधर हो गए और लगभग मान लो 15 इधर हो गए, ठीक है। कितना बड़ा अमाउंट है सोच लो आप, इतने परसेंट लोग ट्रैप में फंस सकते हैं। इवन दो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा एक ही जरिया है पर्सनल चैट का, और मैं कभी नंबर नहीं से, और यार आप लोग जो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो कमेंट बॉक्स पे डाल रहे हो ना यार, डालना बंद करो, क्योंकि कल को ना आपके पर्सनल जो नंबर आप शेयर कर रहे हो ना उसी का एडवांटेज देंगे ऐसे स्कैमर्स। पब्लिक डोमेन में मत डालो यार। आई नो बहुत लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है बात करने के लिए। तो यार मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा, उसके बाद आप लोगों के कमेंट भी पढ़ा, मैं कमेंट पढ़ा हूँ उसके बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। आई डोंट नो सारे नहीं पढ़ा हूँ, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे कमेंट्स आए मुझे, बट सीधी सी बात ये थी कमेंट का कि जो भी ये ट्रैप हो रहा है ना वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग मेरे से बात करना चाहते हैं पर्सनली। अब इसका सॉल्यूशन एक है कि यार मैं कोई जरिया से स्टार्ट कर दूं। लाइव चैट अभी यार मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला मैं यार लाइव वीडियोज में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं ना आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए जो भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ आप लोगों के लिए, और ये फ्री नहीं होगा पहले बोल देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझसे कांटेक्ट करे पर्सनली। पर्सनली कांटेक्ट करना फेसबुक पे करो, आंसर मिल जाएगा, पर्सनल मैसेजेस भेजो आपको मिल जाएगा आंसर, टाइम के साथ मिलेगा, आप फ्री में सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आराम से। लेकिन जो क्विक रिच और जो क्विक जो होता है ना, या कई लोग जेन्युइनली भी बात करना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सोचा, ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, ऐसा तो फ्यूचर में भी होगा है ना। उसका एक तरीका था कि मैं यूट्यूब लाइव कर लूँ, उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा अभी, मेरे में नहीं है कॉन्फिडेंस यार यूट्यूब पे लाइव आने का। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे इतने सारे, मैं देख देख के परेशान हो जाऊंगा और फिर मैं पता नहीं क्या आंसर करूंगा, दैट्स द वन रीजन। और दूसरी बात कि मैं सबको सही तरीके से नहीं लूंगा तो फिर लोग बुरा मानने लगते हैं। मैं ट्राई कर रहा था कुछ दिनों में, Q&A सीरीज लाइव जाता था और टाइप करता था, तो लोगों के कमेंट आने लगे, सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। यार ये भी तो सोचो, क्वेश्चन 20 आ रहे हैं, टाइप करने वाला आंसर देने वाला एक है, लेकिन मैंने उस दिन भी सबके क्वेश्चन को एक एक करके आंसर दिया। लेकिन यार मुझे लग रहा है ना कि अब वो पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब से लोग बढ़ गए, राइट। तो मुझे इसके लिए सॉल्यूशन लाना होगा। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा और सीधा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों से, और वो भी फ्री में ऑब्वियसली, बट वो अभी नहीं हो सकता। तो अभी के लिए क्या करूं मैं, इसके लिए ये कर सकता हूँ, जो लोग वाकई वाकई यार उनको लगता है कि यार नहीं मुझे तो आपसे बात करनी ही करनी है वाकई, और वो कुछ भी करने के लिए, मैं सुनने में इथीरियम देने के लिए तैयार था बंदा यार, 1 इथीरियम क्यों, क्योंकि उसके बदले उसको कुछ मिल रहा था, आई डोंट नो क्या मिल रहा था, पूरी स्टोरी नहीं पता मुझे। एक इथीरियम यार 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो तो आप सिर्फ मेरे नाम पे। मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरा यार ये जो डोनेशन का लिंक डाला था ना, वो बस इसलिए क्योंकि यार मैं यार सब कुछ लगा के रखा हूँ आप लोगों के लिए, मैं पर्सनल लाइफ भी ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो रखा है फिलहाल, बट 1 साल की बात है, मैं ट्राई करूंगा यार आप लोगों के लिए सब कुछ हेल्प करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट किए बिना, और प्रोफेशनल लाइफ भी है मेरा। एंड तो ये रीजन था कि यार कहीं ना कहीं मेरे को मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होती होगी, इतना तो मानते हो ना, तो बस यही रीजन है। और नहीं देना है कोई, ये नहीं है फ्री में चाहिए, फ्री में ही कर रहा हूँ यार सारा कुछ, मैं फ्री में ही कर रहा हूँ। कोर्स के लिए मैं बस मना किया था यार, कोर्स के लिए क्योंकि मैं कोर्स करने बैठूंगा ना तो लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे मुझे पूरा, लगभग डेली में 4-5 घंटे शूट करूंगा ना, तब जाके 15-20 दिन में एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा। मैं कोई फ्री फंड में वो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा, पूरा R&D करके फिर करिकुलम लेके आऊंगा, तो उसमें तो यार मेहनत लगेगा। और आपको लगता है कि यार नहीं आपको फ्री में चाहिए, तो मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ पूरे साल बने रहो यार, फ्री में ही दे रहा हूँ मैं सब कुछ, मैं 1 रुपये नहीं चार्ज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। डोनेशन के लिए इसलिए था कि यार कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल जेब से जा रहा था, एंड घर वाले भी मेरे तो सबके जैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने दिया। और मुझे मतलब मन नहीं था, बट मैंने इनेबल कर दिया कि ठीक है, बहुत लोगों के उससे पहले भी मैसेजेस आ रहे थे, तो जिनको देना होता है वो वैसे ही दे देते हैं, नहीं देना होता नहीं देते हैं, है ना, तो वाली बात है। तो मैंने ये किया था, लेकिन मुझे ना कहीं अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों किया, अभी ये डिलीट भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो यार
ये तो रहेगा जो जैसा है, लेकिन जो भी है ना इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगा। तो हमें सॉल्यूशन ये है मेरे पास, देखो लाइव चैट में यूट्यूब पे तो अभी नहीं आ सकता बॉस, मैं एक सॉल्यूशन ला सकता हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। जूम मीटिंग हम कर सकते हैं, जूम पे मैं आप लोगों के साथ 1-to-1, और कभी भी मेरे साथ पर्सनली बात करो ना, अगर मैं भी वाकई मैं टाइप कर रहा हूँ नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है अगर 1-to-1 कभी भी कोई क्लेम करे ना संजय मिश्रा, उसको बोले सर अपना फेस दिखा दो, फेस दिखा दो, फोटो नहीं वीडियो चैट दिखा दो मुझे, मैं यूट्यूब पे लाइव आ गया ना यार, मेरे को चेहरा छिपाने की जरूरत है ना, नहीं है ना। तो यार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो वाकई करना चाहते हैं ना, तो मैं जूम मीटिंग रख सकता हूँ। आप लोगों के क्या मतलब है, मतलब आप बताओ मुझे, ठीक है इसी यूट्यूब के वीडियो पे ना आप कमेंट करके बताना, लेकिन यार वो ना मेरा पर्सनल टाइम होगा एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से मैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जो बाकी लोग बने हुए चैनल के साथ उनका टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा। तो यार वो ना पेड होगा, पहले बता देता हूँ, 1 आवर मैं दूंगा, कितना दे पाऊंगा किस दिन दे पाऊंगा वो मीटिंग शेड्यूल होने पे आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन वो चार्जेबल होगा। आप लोग वाकई सीरियस हो ना यार, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लोग 50-50 हज़ार रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं मेरे नाम कहने पे मात्र। क्या मत करो यार, मेरे इतना कुछ समझाने का क्या फायदा फिर मेरा। तो यार इसका सोल्यूशन बस यही है कि जो मैं जूम मीटिंग करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा फेस होगा और मेरा फेस जो है ना मेरी पहचान है, दैट्स इट। लोगों कोई भी कॉपी कर लेगा, कोई भी कुछ भी कर लेगा, ठीक है, जब तक यूट्यूब पे वेरीफाइड नहीं आता तब तक उस पर टिक मार भी नहीं। तो अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है ना एक्सेप्ट फ्रॉम माई ऑफिशियल लिंक कि वो संजय मिश्रा है, तो उससे पहले उससे ना सीधा बोलना कि भैया अपना फेस दिखाओ, मैं आपको हक देता हूँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरा ऑन टाइम फेस देखने का हक है। अगर कभी फ्यूचर में मैं ही क्यों ना हूं आपको कांटेक्ट करूँ, आप बोलना सर आपने ही बोल रखा था कि फेस दिखाओगे पहले, आप चैट पे यूट्यूब पे जैसे भी हो, मतलब आप मुझे लाइव दिखाओ पहले, व्हाट्सएप क्या कहते हैं टेलीग्राम पे ही क्यों ना हो, टेलीग्राम पे वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे, अभी मेरी नॉलेज में मेरा जुड़वा नहीं आया कोई, ठीक है वो कहते हैं साथ होते हैं दुनिया में होंगे वही, बट अभी फिलहाल मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जुबान है और ये मेरा फेस है, ये याद रखो, कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करता मेरे नाम पे कुछ भी बोलता है कि यार ये फ्री में आपको क्लेम मिलेगा, फ्री में ये मिलेगा, फ्री में इथेरियम मिलेगा और पता नहीं क्या क्या होता है, क्या कहते हैं उसको कि आप पैसे भेजो मैं आपको बदले में इतना दूंगा, बोल अगर बोलता है ना बोलो यार एक बार यूट्यूब पे, मतलब सॉरी एक बार ना लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, फेस देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और मुझे भेज देना अगर गलती से कर दे, हो सकता है मेरा पता नहीं आजकल क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ मास्क वास्क बना ले, ठीक है पहले वेरीफाई कर लेना, उस केस में भी एक दिन लेना टाइम, ठीक है यार। जस्ट मैं उन लोगों को भी सॉल्यूशन देना चाहता हूँ जो वाकई मतलब पर्सनली यू नो कुछ शेयर करना चाहते हैं या पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, बट और कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर आप मेरे फंड ले लो, आप उसका जो करना करो परसेंटेज दे रख लेना। यार एक बात बताओ आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो, मैं आपसे फंड ले गया, ले गया फिर मैं यूट्यूब डिलीट करूंगा, गायब हो जाऊंगा, अब क्या कर लोगे आप, क्या जानते हो मेरे बारे में आप पर्सनली, आई एम श्योर 1 साल रहोगे तो आप बहुत कुछ जान जाओगे मेरे बारे में। यार ऐसी चीजें मत करो यार, ये इन्हीं लोगों के साथ फ्रॉड होता है, मेरे साथ अगर लेना है ना सजेशन तो करना खुद ही होगा, मैं सब कुछ हेल्प कर दूंगा, कैसे करना है कब करना है, बहुत हेल्प करना चाहते हो ना, मेरा मेरा रेफरल लिंक जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है रिकमेंडेड साइट होता है ये, लिंक ज्वाइन कर लो और इससे करना, मुझे जो आपके फी कटते हैं ना उसका 10% मुझे दे देगा आपका एक्सचेंज, आपका तो वैसे भी कटना है फी, लेकिन वो जो मेरे थ्रू जुड़ोगे तो बस मेरे को ये फी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से, मैं मेरा फ्री सर्विस है यार। आप लोग एक्स्ट्रा डिमांड करोगे कोर्स के लिए, ऑब्वियसली यार मुझे अलग से एफर्ट डालना होगा, मेरे पर्सनल टाइम की भी वैल्यू होगी, आई एम श्योर आप लोग ये बात समझते होंगे। तो यार मैं दूसरों के फंड पे नहीं खेलता यार, मैं यहाँ पे कोई वो चिक फंड नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं बोलूंगा तो 100 लोग तैयार हो जाएंगे मुझे पता है, मुझे नहीं करना यार, मेरे नाम के मेरे नाम से लेके ना मेरे घर वाले ही क्यों ना क्लेम करें, कभी फ्यूचर में कोई भी आ जाए बोल देना संजय सर ने मना कर रखा है, चाहे मैं ही क्यों ना आपको दिख रहा हूँ बोल देना असली संजय सर ने मना किया, समझ जाएगा बंदा जागरूक है, ठीक है। तो यार ये पर्पज था मेरा आज का वीडियो बनाने का, तो यार जिनको भी लगता है कि वह वाकई ये उस कैटेगरी में आते हैं कि वो मेरे से यू नो पर्सनल टॉक करना चाहते हैं, मैं ना जूम पे मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है, और वो होगा चार्जेबल, कैसे क्या होगा उस पर्सन को मेल पे आ जाएगा या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, अगर मेरे पास वाकई ज्यादा रिक्वेस्ट आया तो मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरा जो ब्लॉग है उस पर मैं अपडेट कर दूंगा ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया, ठीक है, और वो कब होगा कितने बजे होगा सारा शेड्यूल आपको ऑफिशियल आपकी मेल आईडी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और मेरा ईमेल आईडी जो लोग जानना चाहते हैं ना मैं बताना नहीं चाहता हूँ यार, नहीं तो यार इतने स्पैम मैसेज आएंगे फिर मैं, मतलब सॉरी यार स्पैम नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब इतने सारे मैसेज आएंगे फिर मेरा इनबॉक्स का भी वही हाल हो जाएगा, तो यार सॉरी ईमेल आईडी मैं नहीं शेयर करूंगा आपको ना, मैं एक फॉर्म दे दूंगा आप बस उसे फिल करोगे, अपना टाइम शेड्यूल करोगे और जो भी आपने भेजा होगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मेरे मेरी टीम या मैं खुद पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा, कैसे करूंगा
एक्सपेक्ट मत करना व्हाट्सएप से करूंगा, मैं पर्सनली कॉल करूंगा, नहीं नहीं भैया नहीं नहीं करूंगा, ठीक है? आपको मैं जूम पे मिलूंगा, जूम मीटिंग के लिए जो भी इंटरेस्टेड है यार बताना। अगर ज्यादा लोग होंगे तो यार डिवाइड कर लेंगे 1 घंटे का स्लॉट, जैसे 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, तो 10 लोगों का एक स्लॉट बना दूंगा, उसमें 10 के 10 लोगों का सवाल ले लिए जाएंगे, उसी हिसाब से उस स्लॉट का फी होगा। अदरवाइज यार मैं नहीं चाहता मेरे से कोई पर्सनल टाइम, मैं कुछ अमाउंट नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बोल दूँ ताकि लोग कॉन्टेक्ट ना करें मेरे, मतलब मेरा अल्टीमेटली यार मकसद ही वही नहीं था, बट इन लोगों का क्या करूँ जो लोग वाकई है इंटरेस्टेड। चलो एक काम करना, मैं ना पहले बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड है, मैं इसके बाद ना जस्ट मैं स्टार्ट करूंगा एक पोल, ठीक है? इस वीडियो जैसे ही लॉन्च होगा उसी के साथ एक पोल स्टार्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा वो पोल, मात्र टेलीग्राम पे आओ, जाके वोट करो, जितने लोग वोट करेंगे ना उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन अगले 2-4 दिन में शेयर कर दूंगा कि मैं कैसे करने वाला हूँ जूम मीटिंग, उसके क्राइटेरिया क्या होगा और मेरे पर्सनल टाइम का चार्ज क्या होगा। दे सकते हो तभी आना, कोई जबरदस्ती नहीं है, और जो लोग फ्री में चाहिए यार फ्री में मैं अभी भी हूँ, कल भी था और हमेशा रहूंगा, ठीक है? तरीका वही है, ठीक है यार? तो यार मुझे नहीं लगा था कि यार, मैं एक्चुअली सुबह उठा था तो मुझे लगा था कि मैं आज खुशी खुशी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पूरे मेरा एक्सपीरियंस फिर से, जो मैं पहले वीडियो में भी शेयर किया था एंड इस चैनल खोलने का पर्पस, लेकिन दिन भर में भूचाल आ गया, तो ये सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यार आगे से ना ये जो भी मैंने अभी बोला है ना इसको फॉलो कर लेना यार, मेरे चैनल पे नहीं कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्लीज फॉलो कर लेना, कभी भी फ्रॉड होते होते बच जाएगा आपका मन। ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं जाओगे, आप अगर मैं भी देखूंगा तो पहले नजर में नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जब भी वहां पे लेन देन की बात हो, फ्री में कुछ देने की बात हो, तो पहले दिमाग वो कर लो, क्वेश्चन मार्क कर लो कि यार फ्री में ये क्यों बोल रहा है कि फ्री में इतना मिलेगा, अच्छा ये क्यों बोल रहा है कि तुम मुझे 2,000 रुपए दो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। कई लोग बोलते हैं आप ना मुझे 1 इथेरियम दे दो और आपके हर हफ्ते ना 0.1 गिरते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे प्लान चल रहा हूँ यार। वाकई स्टैकिंग करना है तो प्रॉपर जाके एक्सचेंज पे कर लो स्टैकिंग, स्टैकिंग में भी तो यही हो रहा है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, काहे को आप किसी बंदे के उसमें झांसे में फंस रहे हो, ठीक है? मैं ही क्यों ना क्लेम करूं, मत करना, ठीक है? कल को मेरा दिमाग फिर गया मैं बोल दूंगा तो कर लोगे? नहीं बोलना, असली संजय का सर कभी नहीं बोलते, ठीक है? तो यार मैं इस वीडियो के लाइव होने के साथ पोल करूंगा, और मैं मेरा जो जो भी पोल में पार्टिसिपेट वही लोग करना जो लोग वाकई पे करने के लिए तैयार हो, ठीक है? मेरे पर्सनल टाइम के लिए, अदरवाइज मेरा कोई पर्पज नहीं था यार, क्योंकि मेरा यार मकसद हेल्प करना है, अब हेल्प मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कई लोग वाकई पर्सनली टच में आना चाहते हैं तो ठीक है उनके लिए भी एक जरिया दे देता हूँ, लेकिन उसकी यार वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी वो मैं डिसाइड करूंगा ताकि कम से कम लोग आ पाए, नहीं तो यार मैं बोल दूंगा 100 रुपये तो पता चलेगा 1,000 रिक्वेस्ट आ गया तो मैं कैसे करूंगा फुलफिल, समझ रहे हो, है ना? तो वो अमाउंट होगा, वो अमाउंट मैं तय करूंगा, कंफर्टेबल होगा तो देना, नहीं कंफर्टेबल होगा तो आप Q&A में क्वेश्चन पूछो यार, ज्यादा पर्सनल है तो फेसबुक चैट पे पूछ लो, फ्री में दे रहा हूँ जवाब ना, अभी पहले 1 दिन में देता था अब शायद 4 दिन में देता हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है हफ्ते भर में दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर भाई, दूंगा मैं जरूर, ठीक है? तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही यार, और जो आज का वीडियो आने वाला था ना एक्सचेंज वाला यार, इसी सिनेरियो की वजह से मुझे हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे यार दिन भर मेरा वर्किंग डे था, मैं ऑफिस के काम में बिजी था, एंड फिर दोपहर होते होते जब मैं कंपाइल करने बैठा तो मुझे पता चला यार ये ऐसा कुछ हो गया तो मैं कर नहीं पाऊँ, वीडियो रेडी है सब कुछ रेडी है बट कंपाइल नहीं कर पाया, तो मैं देखता हूँ रात में कंपाइल करूँ, कैसे भी करके ट्राई करूंगा कि सुबह तक या कल तक आप लोगों को मिल जाए वो वीडियो, क्योंकि उसके बाद अगला कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, कई लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि यार मुझे अपना एक्सचेंज पे एग्जैक्ट ट्रेडिंग करके दिखा दो, तो वो भी मैं मेरे प्लान में सब कुछ करूंगा यार, सब कुछ करूंगा, थोड़ा सब्र रख लो, ये क्विक रिच स्कीम में जाओगे ना फंसोगे, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, कमाओगे बहुत करोड़ों कमाओगे, घर लेके जाओगे मुश्किल से 1,00,000 रुपए, ये लिख के रख लो, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो चलो होपफुली यार आप लोग फ्यूचर में ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो प्लीज रिपोर्ट करना, और जिनके साथ भी पिछले 8-10 दिनों में कुछ भी ऐसा हुआ है ना यार अपना एक्सपीरियंस मुझे प्रूफ के साथ भेज देना फेसबुक चैट पे, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना कि क्या हुआ था, ठीक है? प्रूफ हो तो फेसबुक चैट पे भेज देना, ठीक है? कहाँ से भेजना मैंने बता दिया आपको, तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट? आपको कुछ नहीं जाना है, आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, फ्री का वेबसाइट है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, cryptoinsider.ta.blogspot पे जाओगे होम पेज पे जाना, यहाँ पे सारा लिंक आ जाएगा, अबाउट मी रिकमेंडेड साइट, रिकमेंडेड साइट में मेरे सारे एक्सचेंजेस हैं, और अबाउट मी में जाओगे तो मेरे सारे सोशल नेटवर्क के सारे प्रोफाइल है वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से आप कर सकते हो मुझे कॉन्टेक्ट, ठीक है? आई एम होपफुल कि यार जितने भी लोग हैं ये इन्फॉर्मेशन यार जिन तक नहीं पहुंचे उनको बता देना, ठीक है? सिर्फ एक और एक, बस एक ही नाम, ठीक है? यही वेबसाइट है जेन्युइन, कल को फेसबुक भी बंद सॉरी यूट्यूब भी बंद हो गया ना, इसी वेबसाइट पे आके आप कॉन्टेक्ट कर लेना, बाकी प्लेटफॉर्म किसी और के थ्रू मत जाना, ठीक है? तो मैं क्विकली पोल चलाऊंगा जैसे वीडियो लाइव होगा, आप लोग वीडियो देखने के बाद पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट लेके आ जाऊंगा कि यार कैसे क्या मैं प्लान कर रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन देना, लोगों ने ग्रुप में बोला है सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन दूंगा, और जो लोग कोर्स की डिमांड कर रहे हैं ना यार मैं फ्री में ही कर रहा हूँ सब कुछ, फ्री में ही प्लान था मेरा पूरा, लेकिन लंबा टाइम लग जाएगा, अब देखो कोई भी कोर्स होता है पढ़ाई करते हो तो लगता है ना साल भर, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साल भर रुके रहो पढ़ो मत, मैं डेली लाता हूँ वीडियोस में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, उसके अलावा मैं लाऊंगा, लेकिन मैं यार
बेसिक आप लोगों का नुकसान ना हो वो सारी चीजें पहले कवर करना चाहता हूँ मैं। ये सब चीजें फंडे बताने लगूंगा ना तो अलग अलग ट्रैक शुरू हो जाएगा, फिर मैं खुद फंस के रह जाऊंगा, है ना। तो मैं चाह रहा था कि एक बेसिक चीजें कंप्लीट कर दूं। अभी ट्रेडिंग का फंडामेंटल मुझे इस वीक कंप्लीट करना है, अभी आज की इंसिडेंट की वजह से एक दिन तो वो हो गया, इंपैक्ट हो गया, बट एनीवे वो मेरा काम है, मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा। जो लोग ट्रेडिंग सिग्नल्स बोल रहे हैं ना उनको मिल जाएगा यार संडे, मैंने बोल दिया ना एक वीक, तो एक वीक यार जो भी बोला अभी तक किया ना तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।